डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पीजी कॉलेज में शनिवार को छात्र संघ चुनाव सुबह 8 बजे के गहमा गहमी के बीच शुरू हुआ। कॉलेज पर मुख्य गेट पर छात्रों ने चुनाव के नियम में फेरबदल करने को लेकर हंगामा करने लगे। सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों व चुनाव अधिकारी ने आकर छात्रों से वार्तालाप की, जिससे माहौल को शांत कराया गया। छात्र छात्राएं जैसे ही कॉलेज परिसर में पहुंची, वैसे ही अध्यक्ष मनोज पटेल, उपाध्यक्ष अरविंद सहित कई प्रत्याशी ने मतदाताओं का पैर पकड़कर व हाथ जोड़कर जमीन पर लौटते पोटते नजर आए। वहीं छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर रोहानिया लोहता जनसा कपसेटी थाने की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पीजी कॉलेज के चुनाव अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार दुबे ने छात्रों के द्वारा नियम में फेरबदल करने के आरोप पर सफाई देते हुए बताया कि जैसे पहले चुनाव होता था, वैसे ही चुनाव कराया जा रहा है। मतदाता सूची क्रमांक नंबर से पहले भी चुनाव होता था, वही आज भी व्यवस्था है। रोल नंबर लिखवा कर लाने की बात अफवाह है, किसी अराजक तत्वों ने इस तरह की भ्रमित करने वाली सूचना फैला दी थी, जिससे छात्र आक्रोश में थे। वार्तालाप के बाद अब माहौल सही है, चुनाव सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। वाराणसी से रमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आपका परिचय क्या है, क्या नाम है आपका? वंदना प्रजापति, अध्यक्ष पद के लिए। आप जो है यहाँ पे जो है अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं, आप निर्वाचित होती तो आप छात्र के लिए क्या करेंगी? कुछ ऐसा करेंगे जो कि याद रखे सर। याद रखिए, इसके पहले भी आप चुनाव कभी लड़ी थी? जी नहीं, पहली बार है जी। आपका परिचय क्या है? मेरा परिचय मनोज पटेल, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हूँ, एमए सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मेरा घर ऊंच गांव गंगापुर पोस्ट कोरोता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पीजी कॉलेज से। सभी छात्र छात्राओं को उम्मीद करता हूँ कि मनोज पटेल को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। अगर आपको विजयी बनाते हैं, उसके बाद आप छात्रों के लिए क्या सोचे? छात्रों के हित में सर, यहाँ पे लड़कियों के लिए, छात्रों के लिए बहुत सारी कमियां हैं कॉलेज में। कॉलेज का विकास नहीं हो पा रहा है, यहाँ पानी पीने का सुविधा नहीं है, साइकिल स्टैंड नहीं है, प्लस यहाँ महिला गार्ड होना चाहिए, बाहरी लड़कों का प्रवेश नहीं होना चाहिए, जो कि बाहरी लड़के आकर के यहाँ उपद्रव मचाते हैं, अंदर कॉलेज के कैंपस के अंदर घुस जाते हैं बिना एडमिट कार्ड ना कुछ रहते हुए, जो कि यहाँ नहीं पढ़ते हैं वो भी चले आते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर लाइब्रेरी में हमारे किताब भी नहीं है, जिस सब्जेक्ट का हम लोग किताब पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट है वो भी बुक है, तो हम लोगों के पैदाइश के पहले का बुक है। मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, हम लोग क्यों नहीं कह सकते हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल लाइब्रेरी होना चाहिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पीजी कॉलेज में।